हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, आप GSTR 1 में इनवॉइसेस की डिटेल्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। साथ ही मैं यहां पर आपकी एक क्वेरी जो मेरे पास बार बार आ रही है, अभी लेटेस्ट अपडेशन से रिलेटेड है, जो GSTR 1 का फीचर आया है क्वार्टरली या मंथली GSTR 1 को चूज़ करने का, उसमें मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं। वो क्वेरीज़ क्या आ रही हैं? मेरे पास एक क्वेरी आ रही है कि मैम, मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी, गलती से मैंने मंथली ऑप्शन चूज़ कर लिया। मेरी तो टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा थी, मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो मैं आपकी यहाँ पर इस क्वेरी का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। पहले हम डिस्कस करेंगे कि GSTR 1 के इनवॉइसेस को एडिट कैसे कर सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे आपकी वो प्रॉब्लम कि आपने मंथली GSTR 1 चूज़ करना था, क्वार्टरली कर लिया, या क्वार्टरली GSTR 1 की ऑप्शन चूज़ करनी थी, आपने उसे मंथली चूज़ कर लिया। तो जुड़े रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ आखिर तक अपनी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जानने के लिए। इसके अलावा वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी और अपडेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि जो GSTR 1 के इनवॉइसेस को एडिट करने का फीचर आया है, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक क्वेरी आपकी और मैं सॉल्व करूँगी कि अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन चूज़ कर ली, तो आपको किस किस महीने की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, मतलब क्वार्टर कैसे बन जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि जुलाई का क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का इकट्ठे होगा तो आपको कौन सा मंथ चूज़ करना होगा। वो भी एक क्वेरी आपकी छोटी सी मैं उलझन वो भी यहाँ पर दूर कर दूँगी। तो चलते हैं हम रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ। पीरियड मैं चूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर सितंबर का, और उसे सर्च कर रही हूँ। पीरियड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए चूज़ कर रही थी। जी, यहाँ पर अब मैं अपनी GSTR 1 की ऑप्शन पर कर रही हूँ क्लिक। तो अब यहाँ पर नया क्या आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 9 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स के टैब, 1, 2, 3, 4, 5 पांच टैब्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं अमेंडमेंट करने के लिए। सबसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है टेबल 9A जिस पे लिखा है अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस, 9A B2B, फिर है 9A अमेंडमेंट B2C लार्ज इनवॉइसेस, फिर है अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, नीचे देख लेते हैं अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट एंड रजिस्टर्ड। तो आपके पास अब ऑप्शन आ गई है जो इनवॉइसेस आपने पहले अपलोड किए थे उनमें एडिट करने की। अभी हम इस ऑप्शन को 9A अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहली ऑप्शन है अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, यहाँ पर आपको ईयरली ही फाइनेंशियल ईयर चूज़ करने की ऑप्शन है। अभी हमारा 17-18 ही यहाँ पर शो हो रहा है। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवॉइस नंबर डालना है और एग्जैक्ट इनवॉइस नंबर डालना है जो इनवॉइस पे लिखा हुआ है। तो इनवॉइस नंबर केयरफुली डालिएगा जिसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि GST आने के बाद इनवॉइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम इनवॉइस नंबर की डिजिट्स की लिमिट है 16 डिजिट्स, तो इनवॉइस नंबर एग्जैक्टली सेम डालिएगा जो इनवॉइस पर हो। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ फाइनेंशियल ईयर चूज़ करने की ऑप्शन है, मंथली चूज़ करने की कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगी वो इनवॉइस नंबर के हिसाब से होगी। तो इनवॉइस नंबर बहुत ही केयरफुली डालेगा। फिर आप इनवॉइस नंबर ऐड करके जैसे ही अमेंड इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, आपके पास उस इनवॉइस की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, और जो भी आपको अमेंडमेंट करनी हो आप उसमें कर लीजिएगा। ये थी अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर ने खुद अपलोड की है उस इनवॉइस में अमेंडमेंट करने की। फिर अपलोडेड बाय द रिसीवर, जो रिसीवर 2 के थ्रू, जब स्टार्टिंग में GSTR 2 ओपन थी तब अगर डेटा फाइल कर दिया था और आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आपके पास यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा। मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो उसे आप रिजेक्ट, एक्सेप्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन और है मॉडिफाइड बाय रिसीवर एंड रिजेक्टेड बाय रिसीवर, उन्हें भी आप रिजेक्ट, एक्सेप्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी GSTR 1 के जो इनवॉइस आप पहले ही एंटर कर चुके हैं उनमें जो ये अमेंडमेंट वाली टेबल है 9 वाली, उनमें जाकर जो भी आपको अमेंडमेंट करनी है, जैसे B2B इनवॉइसेस के लिए यहाँ पर लार्ज के लिए 9A यहाँ पर है, एक्सपोर्ट इनवॉइस में अमेंडमेंट करनी है तो वो यहाँ पर है, 9C अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वालों के लिए और अनरजिस्टर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए अमेंडमेंट ऑप्शन अलग अलग कॉलम्स में है, और आपको इसी तरह से ये अमेंडमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने बात की GSTR 1 में जो आप पहले डेटा डाल चुके हैं या आपको किसी इनवॉइस को अमेंडमेंट करना है, तो वो ऑप्शन अब आपको अवेलेबल करा दी गई है। ईज़िली आप अपनी इनवॉइसिस कोई अगर करेक्शन है तो उन्हें कर सकते हैं।
तो अब मैं बात करने वाली हूँ आपकी क्वेरी जो मेरे पास आ रही है। मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी कि जीएसटी और वन को आप मंथली या क्वार्टरली कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, वहाँ जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उन्हें चूज़ करना था कि आपको क्वार्टरली ऑप्शन पे यस करना है या मंथली ऑप्शन पे यस करना है। तो जिसने मंथली रिटर्न फाइल करनी थी उसने गलती से या तो क्वार्टरली कर ली, या जिसने क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ करनी थी क्योंकि उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी तो उसने उसे मंथली चूज़ कर लिया। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में मॉडिफिकेशन के ऑप्शन अब अलाउड नहीं होगी। अगर आपने मंथली रिटर्न फाइलिंग चूज़ कर ली है या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग चूज़ कर ली है तो अब वही आपको करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन नहीं है मॉडिफिकेशन की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी आपको किसके बाद, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद 2017-18 तब ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में एज इट इज़ ही अब आपको करना पड़ेगा। अगर मंथली चूज़ किया है तो मंथली भरनी पड़ेगी, क्वार्टरली चूज़ किया है तो क्वार्टरली भरनी पड़ेगी। एक क्वेरी मेरे पास और आ रही है कि मैम हमने क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ कर ली रिटर्न की, अब आपने क्वार्टरली ऑप्शन तो चूज़ कर ली, तो अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें जुलाई अगस्त और सितंबर पर, जुलाई की जो रिटर्न है वो आप सबको मंथली ही अवेलेबल होगी वेदर आपने क्वार्टरली भी चूज़ की हो। तो जुलाई की रिटर्न आपको अलग से भरनी है, अगर आप भर चुके हैं तो ठीक है, नहीं भरी तो आपको अलग से भरनी होगी। और जो क्वार्टर हमारा जुलाई अगस्त एंड सितंबर है उसमें अगर आपके पास ऐसे पीरियड भी आ रहा है, मतलब मंथली भी आ रहा है अभी पीरियड, तो आपने अगर क्वार्टर की रिटर्न फाइल करें तो आप सितंबर चूज़ कर लीजिएगा डायरेक्टली, तो आपके पास अगस्त और सितंबर दोनों का डाटा फाइल करने के लिए ऑप्शन GSTR 1 में अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी रिटर्न्स के लिए आपने पीरियड को सिलेक्ट करना है। और मैंने आपकी यहाँ पर 2-3 क्वेरीज सॉल्व कर दी हैं। और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज को आंसर करने का। कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट करके बता दें, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट है उनके साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।